अब हम यहाँ से सिटिंग सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं, बैठ करके किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं, या जिनको कंफर्ट नहीं है वो पद्मासन या आलती पालती मार करके भी बैठ सकते हैं, आलती पालती मार कर भी बैठ सकते हैं। तो ब्रह्म मुद्रा क्या होता है? ब्रह्म मुद्रा में हम नेक मूवमेंट करेंगे, जस्ट पहले टर्न करेंगे राइट साइड, एक्सेलेशन के साथ स्लोली इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सेल इनहेल एक्सेल, यहां होल्ड करेंगे। धीरे से वापस जब हम हेड को ऊपर ले जाएंगे तो उस स्थिति में थोड़ा सा होल्ड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है और हमारी जो आर्टरीज हैं उस पे दबाव पड़ता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आसन हमारा पद्मासन में बैठ जाएंगे, या सुखासन या आलती पालती मार करके, जो भी आपको कम्फर्ट लगे। हैंड्स को लॉक करेंगे एंड स्ट्रेच योर हैंड्स अपोजिट साइड, इनहेल एक्सहेल, इसको भी 3 से 4 बार करेंगे। अब धीरे से आप अपने लेग्स को स्ट्रेट छोड़ दें। त्रिकोण आसन, आप अपने पैर को फैलाइए, हैंड्स को इस पोजीशन में रखेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट नीज को होल्ड करेंगे और हाथ को पीछे ले जाइए, पीछे देखिए, यहाँ होल्ड करेंगे जितनी पॉसिबिलिटी है। धीरे से वापस साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट नीज को होल्ड करेंगे और हाथ पीछे ले जाके यहाँ होल्ड करेंगे जितना बॉडी अलाउ करे। चेस्ट का एक्सपेंशन मैक्सिमम होता है इस पोजीशन में। धीरे से वापस एंड रिलैक्स, 3 to 4 times करेंगे, लेकिन स्पाइन बिल्कुल ना झुके इस पोस्चर में, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वक्रासन। वक्रासन के लिए पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे। अब जो हमारा सेम हैंड है उसको यूज नहीं करना, अदर हैंड, राइट लेग सामने है तो लेफ्ट हैंड को हम इस पोजीशन में क्लोज करेंगे और ये वाला हाथ हमारा पीछे जाएगा और हमें खुद से पीछे मुड़ के देखना है। इस पोजीशन में भी हमारा चेस्ट एक्सपेंश हुआ और यहीं पे आप अपने अकॉर्डिंग ब्रीथ को कंटिन्यू रखेंगे, पोस्चर को अपने अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे, रिलैक्स। दूसरी साइड से देखेंगे, इस पैर को स्ट्रेट करके लेफ्ट को हम फोल्ड करेंगे, राइट हैंड से लॉक करेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे, ये वाला हाथ हमारा आगे आएगा। लंबी गहरी सांस लें, अपनी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्चर को होल्ड करेंगे एंड रिलीज। इतने आसन के बाद अगर कैपेसिटी है तो अब ये आसन करेंगे, वज्रासन में जाइए, घुटनों के बेस पे खड़े हो जाएंगे, हाथ हमारा कमर पर रहेगा, यहाँ हम लंबी सी सांस लेंगे नॉर्मल पोजीशन में और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। आसन में जाना और आसन में वापस आना बहुत धीरे धीरे प्रोसेस उस पर करना है, जितनी देर हो सके होल्ड करेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस रिलीज। ये आसन का सीक्वेंस सिटिंग पोजीशन में है। अब चलेंगे स्टैंडिंग में। स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले हम अपने पैरों के बीच का गैप मेंटेन करेंगे। पैरों के बीच में इस लेवल से इस लेवल तक लेवल जो है उस गैप को मेंटेन करके रखेंगे। इस आसन का नाम है अर्धचक्रासन। राइट हैंड को हम अप करेंगे, पाम फेस अप, अपने हैंड को हेड से क्लोज करेंगे, लंबी सी सांस लेकर के स्पाइन को ऊपर स्ट्रेच करेंगे जिससे स्पाइन की लंबाई बढ़े और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे। एल्बोज स्ट्रेट रहें, बिल्कुल भी बैंड नहीं होगी, दोनों हाथ बिल्कुल सीधा, आपकी बॉडी जितना अलाउ करे उतना धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे, जितना होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए, फिर धीरे से वापस, हैंड्स डाउन, पाम फेस डाउन एंड रिलीज। देन अदर साइड, अदर हैंड अप,
पाम फेस अप, हैंड्स को हेड से क्लोज करेंगे, लंबी सी सांस लेकर के स्ट्रेच करेंगे स्पाइन को अपर साइड, सांस को छोड़ते हुए बॉडी को नीचे की ओर लेके जाएंगे। धीरे से वापस, हैंड्स डाउन, पाम फेस डाउन एंड हैंड्स डाउन। ये हो गया आपका अर्ध चक्रासन, अर्धकटि चक्रासन। नेक्स्ट पोजिशन, हैंड्स अप। सांस को यहीं पर लेंगे और सांस छोड़ते हुए बॉडी को पीछे ले जाएंगे। एक्सहेलेशन के साथ होल्ड करेंगे, धीरे से वापस। एक्सहेल करते हुए पीछे जाएंगे और सांस इनहेल करते हुए वापस। द्विभुज चक्रासन। नेक्स्ट बैकवर्ड बैंडिंग। हाथ को कमर पर रखिए, लंबी सी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए बैंडिंग करेंगे पीछे की ओर जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे, और सांस लेते हुए वापस। उसके बाद लास्ट ताड़ासन। लास्ट ताड़ासन, फीट टुगेदर और हैंड्स आपके इस पोजीशन में हैं। आप धीरे धीरे हाथ को हम ऊपर उठाएंगे, पाम फेस अप, दोनों हाथ को लॉक करेंगे हथेलियों को और सर के ऊपर। सांस लेते हुए हैंड्स को स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे ऊपर की ओर। पैर को ऊपर उठाइए, उंगलियों के बेस पे आपकी बॉडी है नीचे, एड़ी उठी हुई है, स्ट्रेच करेंगे पूरा जितना होल्ड कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए नीचे, एक बार एड़ी का पोजीशन देख लीजिए। सांस लेते हुए स्ट्रेच करेंगे ऊपर, एड़ियां ऊपर की ओर अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल डाउन, लॉक को खोलेंगे, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। इतने आसन का सीक्वेंस हमारे इस वीडियो में था, जो कि कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए, कोविड पॉजिटिव लोगों को हेल्प करेगा। लेकिन तब जब आसन का सीक्वेंस प्रॉपर होगा और आप इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे। रेगुलर अभ्यास करने से आप विद इन 1 मंथ इन आसनास और जो हमारा प्राणायाम सेशन है उसको करने के बाद 1 मंथ में आपकी रिकवरी हो जाएगी, बॉडी अच्छे से रिकवर होगी, सारी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी और फिर आप एक जो नॉर्मल हेल्दी लाइफ में आसनास किए जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से करने में सक्षम होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट करें और सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। धन्यवाद।